भी नाथुला में है, पैसा वसूल रहे, पैसा वसूल, ये लो ये लो। अब तो तबीयत खराब होना ही है, होना ही है, लेकिन नाथुला तो रोज रोज नहीं आएंगे ना। लाचुंगे पहुंच गलु आम ओडा कहीं ये गरम रे वेलकम टू जीरो पॉइंट वेलकम वेलकम प्लानेट। सो हम जा रहे हैं नॉर्थ सिक्किम टूर में, तो हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं संबलपुर से, तो संबलपुर टू कोलकाता, देन कोलकाता टू एनजेपी न्यू जलपाईगुड़ी, फिर वहाँ से जाएंगे गैंगटॉक। तो पूरा जर्नी का अपडेट्स मैं देता रहूँगा। ये मेरा दोस्त है, ये पहली बार जा रहा है, उसको डर है। रुक गया भाई। तो आप देख सकते हैं लकी ने ट्रेन रोक लिया है और हम चढ़ गए ट्रेन पे। तो हमारा सिक्किम जर्नी यहाँ स्टार्ट होता है। जैसे ही ट्रेन पे चढ़ गए, शुरू हो गए अपना अपना मोबाइल पकड़ के। तो हम अपना लंच भी लाए थे सुबह 4 बजे से उठ के कुछ बना के, तो अभी हम लंच करेंगे। राइस दाल मिक्स करी अंडा आम कैसे ठूस रहा है देखो। अभी हम लोग खड़गपुर रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। अभी ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है, दिन भर सो सो के जा रहे हैं हम लोग और ये खा खा के जा रहे हैं। पहले भी ये दोनों एक बार खेल चुके हैं और मुन्ना भाई ने नवीन को एक बार हरा चुका है। हावड़ा पहुंचने में हमें 12 घंटा लगे। हम लोग अभी हावड़ा स्टेशन में है, तो हमारा ट्रेन 2 घंटे लेट था। तो नेक्स्ट हम जाएंगे सियालदह स्टेशन, वहाँ से हमारा ट्रेन 11:30 को है। सो सियालदह टू न्यू जलपाईगुड़ी। तो आप देख सकते हैं ये हावड़ा रेलवे स्टेशन कितना बड़ा है। ये हावड़ा रेलवे स्टेशन 1854 का है, वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। इतना भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो हावड़ा स्टेशन से अभी निकलेंगे हम सियालदह स्टेशन, वो हमारे ट्रेन है 11:20 को, जो कि सुबह पहुंचेगा 9:30 को इन न्यू जलपाईगुड़ी। तो पूरा कंटिन्यूस जर्नी है। हमर बाबा सोना पूरा मानुष से बेगौर था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी। तो अभी हम टैक्सी स्टैंड में, बहुत ही बड़ा टैक्सी स्टैंड है ये, तो चलिए ढूंढते एक टैक्सी। तो फाइनली हमें एक टैक्सी मिल गया। संजय भाई को ज़्यादा ही टेंशन रहता है सामान का, ये नवीन भाई बैठ चुके हैं। मैं सामने वाला सीट चुके बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन क्यों कितने में फाइनल हुआ भाई? तो फाइनली हम यहाँ 5,000 बहुत गर्मी है। तो एनजेपी रेलवे स्टेशन के सामने ही आपको बहुत सारे शॉप मिल जाएंगे जो टूर पैकेज प्रोवाइड करते हैं फॉर नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, दार्जिलिंग। बट हमारा पैकेज गैंगटॉक से था, तो
वैसे हम लेट हो चुके हैं, इट्स 11:30 और यहाँ से गैंगटॉक 130 किलोमीटर है, जो कि 4.5 घंटा लगेगा हमें। तो पहुँचते पहुँचते हमें 4:35 PM हो जाएगा। तो ये कालीबारी जो काली मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर का रास्ता है, तो अभी हम NH 10 में जा रहे हैं जो कनेक्ट करता है गैंगटॉक, और ये जो रास्ता है बहुत जाम लगता है, तो जितना जल्दी आप निकल जाते हैं NJP से उतना बेटर होगा, बहुत बहुत ही जाम लगता है यहाँ पे। तो हम अभी हैं विधान भाई के साथ, हम जा रहे हैं 6 दोस्त। तो विधान भाई बता रहे थे कि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत जोर से होने मतलब हो रहा है, तो भैया कितना टाइम लगेगा और हमें? ऐसे घंटा जाने से अभी 3 घंटा। तो भाई बता रहे थे कि अभी गैंगटॉक पहुंचने में 3 घंटा लगेगा और भूख बहुत ज़ोर से लग रहा है, तो रास्ते में रुकेंगे, लंच करेंगे, फिर निकलेंगे गैंगटॉक के लिए। वैसे हमारा भाई बहुत तेज़ चल रहा है गाड़ी, और लोकल लेविस हैमिल्टन, बट क्या करें, रास्ते में इतना जाम लग रहा है कि हमें बार बार रुकना पड़ रहा है। और अभी फ़िलहाल कहीं पे देखते हैं, लंच के लिए रुकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी रुके हैं, लंच करेंगे, फिर चलेंगे गैंगटॉक। ये है गेल खोला। ये जो होटल का बैक साइड है, यहाँ से तीस्ता रिवर का मस्त व्यू है, तो यहाँ पे हम जल्दी खाएंगे और फटाफट निकलेंगे गैंगटॉक के लिए। और ये हमारा आ गया वेज थाली इन 120 रुपीज़, राइस, दाल, दही और भिंडी भजा, आलू फ्राई, चिप्स, अचार। तो अभी हम क्रॉस करेंगे तीस्ता ब्रिज। तो आपको मैं ये बता दूँ, जो रिवर तीस्ता है वो एक हिमालयन रिवर है, एक पेरिनियल रिवर, मोस्टली नॉर्थ सिक्किम से निकल के फाइनली फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। सो ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्रह्मपुत्र की, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर रैफ्टिंग भी होता है तीस्ता रिवर में, मोस्टली इन तीस्ता बाजार जो है, दैट इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ रंगीत रिवर एंड आपका तीस्ता रिवर, तो आप यहाँ पे रिवर रैफ्टिंग भी कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली जा रहे हैं गैंगटॉक। सो अभी और दूर जाना है, स्टिल इट इज़ 38 किलोमीटर अभी। तो रास्ते पर आपको ग्रीनरी से भरा हुआ हिल्स, माउंटेन्स, टनल्स ऐसे देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। और कई कई जगह ऐसा है जहाँ पे लैंडस्लाइड भी होता है, बट ये समर सीजन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो अभी बस गैंगटॉक हम एंटर कर रहे हैं यहाँ से, और 5 किलोमीटर है और फाइनली हम पहुँच गए गैंगटॉक। और ये जो है इसको बोलते हैं दियोरेली स्टैंड, अगर आप सिलीगुड़ी से आते हैं तो यहाँ पे ही व्हीकल रुकती है, तो यहाँ से आपको फिर लेना होगा टैक्सी होटल जाने के लिए। तो यहाँ हम पहुँच गए दियोरेली स्टैंड, और सिलीगुड़ी स्टैंड भी बोलते हैं। तो दियोरेली टैक्सी स्टैंड से हम निकलेंगे अभी होटल, हमारा होटल का नाम है व्हाइट लायन, जो कि बजरा टैक्सी स्टैंड के पास ही है। हम 6 जने हैं तो 2 टैक्सी में जा रहे हैं, एक टैक्सी का किराया 300 रुपीज़। अगर आप अकेले हैं तो दियोरेली स्टैंड से बजरा स्टैंड आने के लिए 55 रुपीज़ या 60 रुपीज़ खर्च होगा। शेयरिंग टैक्सी में दियोरेली स्टैंड टू हॉस्पिटल नाडा 30 रुपीज़, फिर वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं हॉस्पिटल नाडा टू बजरा स्टैंड 25 रुपीज़। सो 55 रुपीज़ में आप पहुंच जाएंगे बजरा स्टैंड। तो हमारा जो टूर पैकेज है वो 5 डेज़ 4 नाइट्स का है, और हमने टूर पैकेज लिया है रक्षित टूर प्लानर से, तो मैं उनका नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं रक्षित टूर प्लानर। तो हमारा जो टूर पैकेज है 5 डेज़ 4 नाइट्स, उसमें से 3 नाइट्स इन गैंगटॉक एंड 1 नाइट इन लाचुंग। तो कल सुबह हम जा रहे हैं नॉर्थ सिक्किम टूर, तो गैंगटॉक टू लाचुंग, लाचुंग में स्टे करेंगे नाइट, फिर नेक्स्ट डे हम जाएंगे
लाचुंग टू यमथांग वैली एंड जीरो पॉइंट, देन बैक टू गैंगटॉक। डे फोर में हम जाएंगे गैंगटॉक टू नाथुला, बाबा हरभजन सिंह मंदिर, चंगू लेक, देन अगेन बैक टू गैंगटॉक। उसके बाद हमारा टूर ख़त्म हो जाएगा और हम रिटर्न करेंगे फ्रॉम गैंगटॉक टू एनजेपी, कोलकाता, देन संबलपुर। फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है। इन उड़ीसा टेम्परेचर इज़ सो हाई, इट्स 45-46 लाइक दैट। तो अभी टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही कम है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट जब लाचुंग जाएंगे या फिर जीरो पॉइंट नाथुला, तो वहाँ पे टेम्परेचर और कम होगा, तो और भी मज़ा आएगा। और ये पहुँच गए हम होटल, यहाँ से फ्रेशअप होके फिर हम निकलेंगे एमजे मार्ग। सो चलते हैं। तो ये पहुँच गए हम एमजी मार्ग, क्योंकि मार्केट जल्दी क्लोज हो जाता है। होटल से एमजी मार्ग डिस्टेंस है 2.4 किलोमीटर। अगर आप टैक्सी लेते हैं तो 200 रुपीज़ बोलते हैं, अपना बार्गेनिंग स्किल थोड़ा यूज करना, तो 150 में भी हो जाएगा। लेकिन हमें पैसा लगा ही नहीं, क्योंकि हम तो चल के आ गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बहुत ही बड़ा मार्केट ये एमजी मार्केट, हम लोग अभी मार्केट के अंदर है और आप देख सकते हैं इतना भीड़ है यहाँ पे। तो एमजी मार्केट के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, अभी फिलहाल थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं, जल्दी फिर होटल पहुंचना है और खाना भी खाना है। सो निकलते हैं यहाँ से। और ये हमारा रात का डिनर रेडी है, राइस, दाल, आलू फ्राई, आलू चिप्स और ये अंडा करी। देख सकते हैं कितना खुश है मेरा दोस्त खा के। खाना कैसा है? कल क्या खाएगा? कल मछली खाएंगे ना संजय, कल मछली खाएंगे। तो ये हमारा रूम है, होटल का नाम है व्हाइट लायन और हमारा रूम नंबर 102। तो आप देख सकते हैं ये अच्छा सा डबल बेड है और टीवी भी है, कपबोर्ड भी है, इधर बड़ा सा मिरर भी है और क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो उसके लिए ये पानी गर्म करने के लिए है। और यहाँ पे बड़ा सा खिड़की है, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुबह मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फैन वैन कुछ नहीं है, देयर इज नो फैन नो एसी, बिकॉज वैसे ही टेम्परेचर यहाँ का बहुत लो है, तो इसलिए कंबल वंबल है। आज रात को मस्त उड़ के सोएंगे, अभी से मुझे नींद आ रहे, सुबह मिलते हैं।